कानपुर की सीसमो सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगातार यहां पर अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी गोट को फिक्स करने के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जो उनके पूर्व विधायक थे इरफान सोलंकी, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को यहाँ से टिकट दिया गया है। अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा ने सबसे बड़ा उलटफेर अभी तक कानपुर की सीसमो सीट पर किया है। दरअसल बसपा ने काफ़ी दिन पहले ही यहाँ पर रवि गुप्ता, जो कि एक व्यापारी नेता हैं, उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था और इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि इस सीट पर बसपा की तरफ से एक तो व्यापारी वर्ग और दूसरा वैश्य समाज को लेकर यह समीकरण बिठाया गया है और रवि गुप्ता को टिकट दिया गया है। लेकिन एन मौके पर यहाँ पर मंगलवार की देर शाम को रवि गुप्ता का टिकट काट दिया जाता है और ये टिकट दिया जाता है वीरेंद्र शुक्ला को। यानी कि एक तरह से बसपा ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और ये अब बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। ये इसलिए भी क्योंकि अगर हम यहाँ के समीकरण की बात करें, सीसामऊ के समीकरण की बात करें, तो सीसामऊ में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वोटर हैं वो मुस्लिम वोटर हैं और एक तकरीबन 1,10,000 के आसपास, और उसके बाद अगर कोई वोटर हैं तो फिर वो ब्राह्मण हैं और दलित हैं। दलित का वोट बैंक हमेशा से कोर वोट माना गया है बसपा का, तो ऐसे में ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ पर उतारना इस बात का संकेत दे रहा है कि बसपा इस बार दलित और ब्राह्मण इस समीकरण को लेकर चल रही है और इसीलिए यहाँ पर एन मौके पर वैश्य प्रत्याशी को टिकट जो है वो काट दिया गया है और उसके बाद ये टिकट दिया गया है यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी को। तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को फिलहाल यहाँ पर सीसमऊ सीट पर मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रत्याशी यहाँ पर रहते हैं, यही नामांकन कराते हैं, या फिर इसके बाद भी कोई प्रत्याशी आता है। क्योंकि अगर हम बसपा की बात करें तो पहले भी ये देखने को आया है कि बसपा में हमेशा से ये होता रहा है कि एन वक्त पर टिकट काट दिया जाता है और किसी दूसरे को दे दिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये समीकरण अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और दलित का, तो इसको देखते हुए बसपा ने ये टिकट दिया है, ये फाइनल किया है। और अगर इसी समीकरण पर चलता रहा तो बहुत जल्द सीसामऊ का चुनाव बहुत ही दिलचस्प बोर्ड पर देखने को मिलेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।